हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर गाइस डूइंग वेल। सो गाइस, ये है हाइड्रा फेशियल की मशीन, जो कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, जिसमें मैंने मशीन की इंस्टॉलेशन बताई है कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। जब हम इसको परचेज करते हैं तो इसके सारे स्टेप जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसको कौन सी जगह पर कैसे फिट करनी होती, कैसे इंस्टॉल करना होता है वो बताया था। एंड मैंने बोला था कि मैं सेकेंड वीडियो में इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, एंड सीरीज़ वाइज, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, वो बताऊंगी बोला था। एंड इस मशीन को जो इंस्टॉलेशन करने के लिए जो टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सारे डिटेल में बताया था। वही मैं रॉ वीडियो जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। मेरे बताने से अच्छा जो एक्सपीरियंस वाला जो ट्रेंड है, जो टेक्नीशियन आए थे, उनकी पूरी रॉ वीडियो ही मैंने अपलोड किया हुआ है, पूरी डिटेल में है। सो वो बताएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है इसमें। ये खराब है क्या स्विच? इसके अंदर होता है फर्स्ट टाइमर। टाइमर के अंदर हमारा टाइम है कि हम क्लाइंट को फेशियल कितने टाइम का दे रहे हैं। अब इसके अंदर ज़्यादा नहीं हो सकता, तो टाइम है कि आपको हर स्टेप को आपको 6-7-8 मिनट का स्टेप देना है अपने क्लाइंट को। पहला जो मैंने मोड बताया था आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूँ आपको, इसके अंदर डलता है आपका सीरम जो है, सीरम की बोतल पे ABC दोनों मेंशन है, तीनों मेंशन है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि किस स्किन पे कौन सा सीरम चलेगा आपका, तो आप उसमें से पढ़ेंगे। ए को ए में डालेंगे, बी को बी में डालेंगे, सी को सी में। कितना डलेगा मैं बता देता हूँ। हाफ अगर बोतल पानी है इसके अंदर, तो एक ढक्कन, वो जो एक कैप है ना, उसकी एक कैप पानी इसके अंदर सीरम डलेगा आपका। बस ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद में इसको निकालना कैसे वो क्लियर कर देता हूँ आपको। इसका बटन पुश करना है और इसे नीचे को खींचना है हमें। थोड़ा टाइट होगा स्टार्टिंग में, नीचे से खोला इसको, इसमें पहले पानी डाला, पानी डाल के फिर सीरम डाला, मिक्स कर दिया। सेम पुश करके इसको ऊपर को प्रेस करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा दोबारा से। इसी तरीके से तीनों सीरम इसके अंदर डल जाएंगे, फिक्स हो गया उसके ऊपर। क्लियर है आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है ना? इसके अंदर फोर्थ स्टेप जो होता है, नहीं एक मुझे एक चीज और बताओ कि अगर जैसे मेरे पर ड्राई स्किन का फेशियल आया, बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसी में ही सीरम डालू ना, बाकी तो और किसी में नहीं डालू ना? सीरम सब में रहेगा, इसके अंदर फील रहेगा, ठीक है, कुछ भी आपको अलग से नहीं ऐड करना है इसके अंदर। पहले आपने सारे के सारे फील कर दिया, इसमें सीरम डाल दिया, ए में, बी में डाल दिया, सी में डाल दिया, डी में आपका मिनरल वाटर हो गया आपका जो हमने डाला है। हाँ, हाइड्रा फेशियल का मेन वर्क क्या होता है, हमारा जो पीएच लेवल है ना, उसको पीएच लेवल को बैलेंस करता है। जिसकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो हम उसके अंदर अभी तक क्या करते थे, हैंड से फेशियल करते थे। किसी को होता है हाइजेनिक होता है, वो कहता है हमारे को सारा टूल से आप कर दो, हाइजेनिक हो जाएगा कि ये हाथ वगैरह नहीं लगेंगे और हमारे को एक पिगमेंट जो है इंटरनली इंफ्यूज हो जाएगी हमारे। आपके ये मोड क्लियर हो गए आपके, ये है वाटर बेटा, ऊपर ना ऊपर ना बेटा, यहाँ से हम वाटर को कंट्रोल करते हैं। मैं भेज रहा हूँ वाटर को मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जाए, सब यहाँ से कंट्रोल होगा आपका। ये एरो बना पड़ा है, अभी हम इस मोड पे रख रहे हैं, तो ये मिनिमम हो गया, ये मीडियम हो गया आपका। जिस भी लेवल पे रखना है क्लाइंट की स्किन अकॉर्डिंग, हम इसके अंदर वाटर के ये ऐसे ऐसे हाई होगा, हाई ऐसे होगा, मैक्सिमम हो गया अपनी स्किन, हो गया वाटर लेवल का, ये हो गया सेम एयर लेवल का जो हम ब्लैकेट्स वाले में यूज करते हैं। तो कितना एयर का मोड रखना है मैं वो भी यहाँ पे सेम मिनिमम मैक्सिमम वाला, ये एरो जितना वो रहेगा उतना ही यही रहेगा। अब एडजस्टमेंट में बताया ना, एडजस्टमेंट अपने हिसाब से क्लाइंट के अकॉर्डिंग होगा। इसमें मैं नहीं कह सकता कि आप फुल करके चलो सबको, नहीं नहीं फुल तो होगा ही नहीं। मैं इसमें मैंने देखा था आपकी वीडियो में, फुल तो है ही, आप मिनिमम करके ही चलिए, मिनिमम से आप मीडियम पे ले आओ, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके ले आओ। और फिर इसका एयर का जो लेवल है वो उन्होंने मेरे को बताया था कि एयर का लेवल जो है वो आप मीडियम से एक पार्ट नीचे रखो, क्योंकि अगर ज्यादा अगर आप करोगे ना ये है हमारा जो लास्ट बेच का जो मेन मोड है ना, ये है आपका जो आप कह रहे थे ना कि आपका ए वाले में सीरम है तो वो क्लाइंट को कैसे यूज होगा, बी वाला कैसे होगा या सी कैसे होगा, डी कैसे होगा। इसमें टोटल है ए बी सी और डी, चार मोड। अच्छा, डी मोड जो है हमारा वो होता है मिनरल वाटर वाला, ठीक है। क्लाइंट आपको अगर चार्ज देता है तो आप सीरम यूज कीजिए जैसा वो कहता है। अगर वो कहता है कि भाई मेरा बजट नहीं, मेरे को कम में कर दो, तो आप इसके अंदर क्या है, डी वाले ऑप्शन पे चले जाए, डी वाले ऑप्शन पे चले जाए, ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैं करता हूँ आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर। फर्स्ट स्टेप होता है इसका ब्लैकेट्स वाला, ये इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं इसको ऑन करने के, एक होता है यहां से ऑन करने का, एक होता है यहां से ऑन करने का, दोनों से आप इसको इसमें टच पे से। अच्छा, हर स्टेप पे ना आप ये टोनर, ये इधर से टोनर जाएगा। अच्छा, हर स्टेप पे आप टोनर डालेंगे, कहां से लेके उसी में निकलेगा ना ये,
इसके अंदर डलेगा, आपका प्रेशर दो सबका, पहले पूरी स्किन पे जो है टोन टोन कर दो उसको, हर स्टेप के बाद में इसका यूज करो, ताकि जितना भी यहाँ से स्क्रब को ऑन कर देंगे आप, स्क्रबर एयर आपका ऑन हो गया। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी जैसे सेम यहाँ पे आप एयर उसको कर रहे थे ना, यहाँ पे इसके अंदर भी इसका बोले वाइब्रेट देना है क्लाइंट को, ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा प्लस माइनस, हाँ इसके अंदर कम ज्यादा करने का इसके अंदर भी है। अब आप देख रहे हैं, अगर क्लाइंट को स्किन पे चुभ रहा है तो आप इस मोड में कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो स्क्रबिंग के लिए आप पूरे तरीके से उसको स्क्रब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आप ले लीजिए इसके बाद में अपना जेल। हाँ जेल, ये आ गया जेल के लिए आप। इस जेल क्लाइंट के फेस पे लगा के पूरा का पूरा बेस को भी अपने हिसाब से अल्ट्रासाउंड को कनेक्ट करना है आपको। ये कनेक्ट हो गया, इस लेवल पे रखना है आपको, बैलेंस बना लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, पाइप पे कर लीजिए, ठीक है। वही जेल लगाने के बाद में आप इसको धीरे धीरे करके जो स्मूथ मसाज देने हो मसाज देते रहिए। बेटा आ गया ना, अब मसाज देते रहिए इससे आप। वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ज्यादा बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ क्या आएगा आरएफ आपका इसके बाद जो आएगा। हाँ ये क्या होता है, ये आरएफ है आपका, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना आपकी, ये भी रेडियो। ये है जो चींटी टाइप के काटेगी आपके हल्के से। इससे क्या होता है सर, इससे क्या होगा? ये भी फेशियल का स्टेप है आरएफ का, रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो होता है ना हमारा, ये मोड ये होता है हमारा कोल्ड वाला, कोल्ड वाला मतलब ये है जब आपकी रेड पड़ जाए स्किन, रेड हो जाए कुछ हो जाए, देने के लिए पूरी स्किन नॉर्मल हो जाएगी उसकी, उसको कोल्ड देना पड़ेगा फिर आपको, ये कूलेंट वाला जो है आपको, ये रेड हो ही जाता है उसको, कहां पर ऐसा ही होता है ये वर्क करने के बाद में। इसको ऑप्शन कहां है, ये ऑप्शन निकल रहा है, ये चल गया, ये रहा कोल्ड, आप थोड़ा यूज करेंगे। अच्छा। हर एक बार क्लीन करने के बाद में आप इसका यूज कर लीजिए और थोड़ा सा उसको कॉटन से या किसी भी चीज से पोंछ दीजिए, ठीक है। तो आप कल जाके एक आ गया हम मास्क पे, ठीक है। मास्क के मैंने आपको पिक्चर सचिन में भेज रखी है, उसके अंदर सब मेन मेन वही होता है ये प्लस का, ये कलर अभी ये ग्रीन रेड प्लस में चलाएंगे ना, प्लस में ऑलमोस्ट सारे चलते हैं, फ्लैश में ऑलमोस्ट सारे चलते हैं। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा, एंड ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। इसमें गाइज बहुत ही ईजी है, इतना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे वायर देख के लग रहा होगा कि ये कैसे यूज़ करना है क्या करना है, बहुत ही ईजी है। आपको नॉर्मल फेशियल यूज़ करना है, नॉर्मल फेशियल ही यूज़ करना है, बाकी आपको हैंड की जगह, आपको हाथों की जगह ये मशीन यूज़ करना है, ये टूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें कि वाइटनेस रिमूवर है, उसके बाद स्क्रबर है, उसके बाद आरएफ है, जिसके जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, ये देख सकते हो आप, अल्ट्रासाउंड है, जैसे कि हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, एंड मास्क है आपका, टोनर है आपका, सीरम, जैसे तीन सीरम आते हैं इसमें कम, इस जो जब हम ये मशीन परचेज करते हैं इसके साथ में तीन सीरम भी आते हैं, साथ एक ड्राई स्किन के लिए, एक ऑल स्किन टाइप, एंड एक ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सो बहुत ही ईजी है, बहुत टफ नहीं है। इसमें कोल्ड का भी आता है, जैसे ब्लीच करते हैं रेडनेस आ जाती है उसको, जैसे आइस क्यूब वगैरह लगाते हैं, तो आप इस जो कोल्ड वाला टूल है उससे भी आप जो रेडनेस को ख़त्म करने के लिए, फेस पे कोल्ड देने के लिए आप ये यूज़ कीजिए, बहुत ही ठंडा रहता है ये जो होता है, बहुत ही ईजी है, इतना वो नहीं है, आप ये वीडियो देख के ही कर सकते हो, इतना ईजी है ये। सो गाइज अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड ये वीडियो जो है शेयर जरूर करना। ये बिल्कुल रॉ वीडियो ही मैंने डाली है, कोई मैंने खुद होके नहीं, ये पूरा टेक्नीशियन ने ही बताया है ये। अगर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लेके आऊँगी, यूज़ क्लाइंट पे यूज़ करने का तरीका है, ठीक है, ये मैंने थ्योरिकली बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रैक्टिकली लेके आऊंगी, जो कि क्लाइंट पे करके दिखाऊंगी। एंड गाइस हमारे सैलून में जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हाइड्रा फेशियल स्टार्ट हो चुका है, आप का स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर करके आप अपना हाइड्रा फेशियल की जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो।
सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।